वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैमरे के थंबनेल्स को आप फाइल मैनेजर से कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है उस इंसान के लिए जिसके फ़ोटो वगैरह डिलीट हो गए, वीडियो वगैरह डिलीट हो गए, तो कुछ थंबनेल्स मोबाइल के अंदर हमेशा सेव रह जाते हैं। कैमरे के थ्रू कोई सी फाइल ऐसी बन जाती है जो इनएक्टिव है, तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, पूरी ध्यान से देखिएगा वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर में जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ऐसी फाइलें दिख जाएंगी और आपके एंड्रॉयड फ़ोन में DCMI फोल्डर मिल जाएगा, इसे खोल लेना है, ठीक है। आपके सामने ये फोल्डर मिल जाएंगे और सबसे ऊपर मिल जाएगा थंबनेल्स। लेकिन अगर आप यहाँ पर डोंट नॉट शो करते हैं, यहाँ पर जो फोल्डर रहते हैं उस सिचुएशन में ये गायब हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसको खोलेंगे हम, तो यहाँ पर ये थंबनेल्स होंगे और ये हमारे फोटो वीडियोज़ कहीं कहीं लिए हुए होंगे। तो जैसे कुछ डिलीट हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उस सिचुएशन में ये, और ये थंबनेल्स बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, कहीं के भी बन जाते हैं जब आप यूज़ में लाते हैं इनको, तो ये बहुत काम में आ जाते हैं उस सिचुएशन में जब डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको डोंट नो शो करवाएंगे तो फिर वो आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको इस ये करना है बस। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।